नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पूर्व विदेश मंत्री, बीजेपी की वरिष्ठतम नेत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया। उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर तमाम लोग मौजूद हैं। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, तमाम लोग सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि लोगों की भावनाएं क्या हैं, वो सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए सुषमा स्वराज के मायने क्या है। नहीं कर सकते उस तरह। हर व्यक्ति को दुख में, सुख में, कोई भी हो, उसके साथ संपर्क बना कर रखना। कभी कभी कार्यकर्ता निराश भी हो जाता था तो उसको आशीर्वाद स्वरूप उसका मनोबल बढ़ाकर उनको दोबारा उसी काम में, पार्टी के काम में लगा देती थी। बहन जी, कितना जितना भी कहा जाए, क्या क्या शब्द हैं। मेरे ख्याल ये ऐसी एक जन नेता थी जो आम कार्यकर्ताओं के घर भी भोजन करने के लिए या कुछ करने के लिए फ़ोन कर कर स्वयं पहुंच जाती थी। और मेरा पीछे प्रवास रहा सीहोर जिले में, जिसमें उनकी दो विधानसभा उस क्षेत्र में लगती थी जहां से वो लोकसभा सांसद थी। जब मैं वहां पर एक महीना मेरा पूरा प्रवास रहा, तो जब मैं वहां पर गया पीछे जब विधानसभा चुनाव थे, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा घर, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, वो सुषमा जी के लिए तो सभी लोग तारीफ करते थे और यही कहते थे कि बहन जी हैं तो सब कुछ है। तो बहन जी के लिए जितने शब्द कहे जाएं उतने कम। सुषमा स्वराज जी के लिए जितने शब्द कहे जाएं उतने कम है। निश्चित तौर पर जब वो विदेश मंत्री थी तो एक ट्वीट पर विदेश में फंसे भारतीयों की वो मदद करती थी और जल्द से जल्द उन्हें भारत लाने की कोशिश भी करती थी। व्यक्तित्व उनका बहुत शानदार था। और सबसे एक और बड़ी बात जो थी कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उनको लगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी में रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 75 साल तय की गई है, उनका उम्र मात्र 67 साल का था। 8 साल और उनका राजनीतिक जीवन अगर उस लिहाज से देखा जाए आज से 3 महीने पहले तब लगभग था, लेकिन उनको लगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो पद पे नहीं रहना चाहती। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने मंत्री पद त्यागा। वो चाहती तो उस पर रह सकती थी। और भी लोगों से बात करेंगे। आप बिल्कुल आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? बलराम ठाकुर, विनोद कुमार सिंह है। मैं पकड़ा रहूँगा, आप बोलते रहिए। ठीक है। पर उनका स्वभाव बहुत बढ़िया रहा जी। सराहनीय रहा, मुख्यमंत्री रही दिखा जाए यहाँ के देश के, हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश के, और खासकर विदेश मंत्री रही। और उनके जाने से एक युग चला गया देखा जाए, और महिलाओं का विकास इतना ज़्यादा हुआ, हिंदी खासकर देखा जाए, इस तरह शुद्धता, इतना ढंग से ईमानदारी से बात करती थी कि क्या कहूँ। तो खासकर आज सारा परिवार भाजपा के यहाँ पर आया, बाहर से लोग भी आए हैं, सब लोग सुबह में देखकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज हमें काफ़ी तकलीफ हमें भी हुई, हमको भी हो गया कम से कम 25-30 साल कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए। और जब वो बोलती थी, दिल कहता था और कुछ बोलें और कुछ बोलें, ये मेरी आदत रही हर वक्त उनकी सुनने की। तो एक बार छोटी सी कविता उनके लिए कहूँगा कि तभी मरूँगा मुझे बताओ, मरघट तक पहुँचाने मुझको कौन चलेगा, नील नदी से प्यारे प्यारे आँखों मिले आंसू सारे, उमड़ता रहे विश्वकथा रे सौ के पीछे कौन चलेगा, किसकी सुगण गलियाँ मेरी चिता बनाएंगी चंदन से, गूंज उठेगा मरघट का सुनापन किसके क्रंदन से, डकमक तक से कंपित करते आग लगाने कौन चलेगा, तभी मरूंगा मुझे बताओ मरघट तक पहुंचाने मुझको कौन चलेगा, मेरा पूर बीनने वालों इसे गंगा में नहाना, मैंने कभी पाप किया न मैंने इसको जाना, प्रेम नदी यमुना मेरे पूर बहाने कौन चलेगा, और तभी मरूंगा मुझे बताओ मरघट तक पहुंचाने मुझको कौन चलेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद आपको। मेरा नाम ठाकुर विनोद कुमार सिंह। ठाकुर विनोद जी ने अच्छी कविता पढ़ी सुषमा स्वराज जी के लिए। संवेदना के अवसर पर आप अपना नाम बताइए और सुषमा जी के आपके लिए क्या मायने। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ और मैं राजस्थान से आया हूँ, तो मेरे को सुनते ही बहुत दुख हुआ। एक तरह से हमारे देश ने बहुत बड़ा नेता खो दिया, और उनकी जो विनम्रता, सादगी देखकर मैं बहुत व्यथित हूँ। ठीक, आज तक ऐसा नेता था भी नहीं और होगा भी नहीं शायद, और हमारे देश ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। एक तरह से उनकी सादगी, उनका व्यक्तित्व है, उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे काम किए, और हमारे देश के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और एक पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति से कार्यकर्ताओं को इज्जत देती थी। कोई भी कार्यकर्ता चल जाता था उनके पास तो इतनी विनम्रता से बात करती थी कि कभी एहसास भी नहीं होता था कि मैं एक मंत्री हूँ, मैं एक विदेश मंत्री हूँ, या मैं इस बड़े पद पर पहुँची हूँ। तो वो आम कार्यकर्ता से एक परिवार की तरह, एक परिवार जैसा एहसास होता था उनसे मिलते थे। तब मैं राजस्थान से, मैंने सुबह वाली गाड़ी से आया, और मेरे को सुनते ही इतनी आहत पहुंची कि मैं इसको लेकर बहुत दुखी व्यतीत कर रहा। रात में तो जब लोगों को पता लगा कि सुषमा स्वराज जी नहीं रही तो लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। मृदुभाषी के साथ साथ
एक ओजस्वी वक्ता, और जब यूएन में उन्होंने हिंदी में जो अपना भाषण दिया उससे पूरी दुनिया को विवेकानंद जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और फिर सुषमा स्वराज का वो भाषण निश्चित तौर पर इतिहास का हिस्सा हमेशा रहेगा। यूँ तो उनका शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा अमर रहेगा। सुषमा स्वराज जी के लिए आपके मायने? मैं चांदनी चौक लोकसभा से हूँ और सुषमा जी से एक दो बार मुझे मिलने का मौका मिला था। एक बहुत ही उनका मृदुल स्वभाव था, वो किसी से भी बड़े ही प्यार से बात करते थे। किसी को भी कोई भी काम हो, या वो 12 बज रही हो रात हो या 2 बजे रात बज रही हो, वो बिल्कुल टंडम उनके सेवा के लिए हाजिर होती थी और हर संभव प्रयास करती थी कि इसके दुख को, इसके की प्रॉब्लम है तो हम साथ आ पाए। तो यह बहुत ही प्रतिभा की धनी थी और लोकसभा में भी इन्होंने बड़े ही वाक्पटुता से, बड़े ही सवाल कोई होते थे हंसकर मुस्कुराकर सराहना अंदाजे में बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दे देते थे ताकि किसी को बुरा भी नहीं लगता था। यह उनका अपना अनोखा अंदाज था। हमने इस भावी नेता को खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। जिनकी जो है और भी लोगों से हम जानते हैं, विदिशा से भी लोग आए हैं जहाँ से सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ा करती थी। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तभी लोगों के मन में बहुत सारी भावनाएं हुई कि भाई सुषमा स्वराज जैसी जो कुशल राजनेता थी वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रही, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या मायने हैं उनके व्यक्तित्व के? मैं चंद्रपाल सिंह दरबार, विदिशा लोकसभा से, इछावर विधानसभा से। दीदी का जो कृतिमान था, उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। हर व्यक्ति को हमें हमारा उनका बेटा मानती थी और जब भी हम उनसे मिलते थे तो हमें हमारी माँ उसमें नज़र आती थी। और आज दीदी के ना होने से हमें इतना दुख हो रहा है कि हमने हमारी माँ को खो दिया है। पार्टी के साथ साथ उन्होंने एक एक चीज़ सीखने को मिलती थी। किसी रूट पे यदि जाती थी दीदी तो एक एक कार्यकर्ता से मिलती थी और दीदी पूछती थी कि कोई किसी को कोई भी समस्या है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उस समस्या को खुद रुककर बात करती थी। हम जब भी दिल्ली आते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे परिवार में आए हैं। आज तक हमें आज दिल्ली में आने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा कोई यहाँ पर नहीं रहा, जबकि इतनी बड़ी पार्टी है जिस परिवार में हम जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आज हमें खाली जगह लग रही है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दीदी का स्वर्ग में वास हो और दीदी जैसा व्यक्तित्व खोकर आज भारत ने एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन ईश्वर को पूर्ण करें और दीदी पुनः भारत में जन्म लें, ऐसी मैं सोचता हूं। चलिए, जब जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात को ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति के एक स्वर्णिम युग का जो है अंत हो गया है, और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं, सुषमा स्वराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस श्रेणी के वो नेत्री थी भारतवर्ष में, वो पार्टी संगठन के लिए अगर कोई विषय ऐसा आता था तो कार्यकर्ता के लिए वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकों में लड़ जाती थी। वो इस चीज़ों को कहती थी कि अगर कोई चुनाव अगर हार भी रहा है तो मेरा कार्यकर्ता हारेगा। बाहर के कोई कार्यकर्ता को, अगर पार्टी के व्यक्ति को अगर दबंग है उसको आप शामिल कराइएगा, तो अगर कल को अगर वो पार्टी चुनाव हार गया तो तुरंत फिर दूसरे जगह चला जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो तो हारेगा। कई बार ऐसा हुआ कि उनसे मिलने के लिए, जैसे मैंने फ़ोन किया, समय नोट कराया, तो पता चला कि मैंने नोट कराया कि कल का समय, उसके बाद है ना कि घंटे डेढ़ घंटे के बाद है ना उनके घर से फ़ोन आ गया कि मैडम बात करना चाह रही हैं, तो क्या विषय है? तो कहेंगे पूरा आधे से पौन घंटा समय पे पूरी बातों को सुनती थी तन्मयता के साथ, उस पर कहती थी कि चंद्रशेखर मैं देखूंगी इस विषय को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं उन्हें बुआ जी कहता था सदैव, वो वही स्नेह से अपने भतीजे की तरह वो स्नेह रखती थी। कल रात्रि में यह सुना तो मुझे जैसे लगा कि हमारे परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य चला गया। अब ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनकी क्षति पूरी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारे भाजपा परिवार को और मुझे सबको इस है ना वज्रपात वाली जो घटना हुई है उसे सहने की शक्ति दे और ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे। ओम शांति। सबसे बड़ी एक और चीज़ जो हम बात बता रहे हैं आपको कि जब सुषमा स्वराज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो या कैबिनेट की मीटिंग हो, वो अपनी बात को प्रखर अंदाज में रखती थी। वो इस बात की फिक्र नहीं करती थी कि उनके इस सत्य बोलने या कटु सत्य बोलने की वजह से कौन नाराज होगा, पार्टी के सीनियर नाराज होंगे, कौन होंगे। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आएंगे और सुषमा स्वराज के लिए क्या? मैं सुनील कुमार महेश्वरी, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन। मैं माननीय सुषमा दीदी की लोकसभा से, विदिशा से हूँ। दीदी का हमेशा कार्यकर्ता पे दुलार रहा है। वो विश्व की श्रेष्ठ वक्ता तो थी, लेकिन हमारे विदिशा क्षेत्र की गौरव थी। उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएँ चलाई। आज़ाद भारत के बाद में पहली बार अगर रेलवे लाइन
सुगति दिलवाई विदिशा में, हमारे बुधनी नसरुल्लागंज में दिलवाई, तो हमारी लोकप्रिय दीदी सुषमा जी स्वराज ने दिलाई। हम सभी कार्यकर्ता दुखी है, मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता और पूरा भारतवर्ष उनके दुखी है, क्योंकि विश्व के श्रेष्ठ वक्ता को हमने खोया है। सही बात है, हिंदी की इतनी ओजस्वी वक्ता शायद महिलाओं में कोई दूसरा न मिले। हमारे साथ महिला लोग भी हैं, पुरुषों कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला लोग भी, भारत के आम इंसान भी लोग आए हैं। पहली ऐसी राजनेता जिनका कोई विशेष तौर पर राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, उनकी मेहनत लगन के दम पे मात्र 25 साल की उम्र में वो मंत्री बनती हैं, और 42 सालों का उनका इतना स्वर्णिम कैरियर रहा कि ऐसा कैरियर शायद किसी का आने वाले समय में हो ना। जिनको देख करके सैकड़ों हजारों महिलाओं ने ये सोचा कि अब वो राजनीति करेंगे। आप अपना नाम बताइए और सुषमा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उर्मिला चौधरी, निगम पार्षद किराड़ी। आज बहुत पीड़ा का समय है, हम लोग बोल नहीं पा रहे। हम लोगों की कर्म भूमि और जन्म भूमि एक ही है। दीदी जब हरियाणा से मंत्री, शिक्षा मंत्री बने, उस समय से दीदी का मेरा, मैं दीदी के पास आती जाती रही, क्योंकि उनके फादर और मेरे फादर का एक ही साथ पढ़ना, एक ही साथ बैठना। यहाँ पर भी जब भी हम लोग, हम बहनों को कोई भी पीड़ा होती थी, दीदी हमें अपने पास बुलाकर हर पीड़ा से अवगत कराती थी। और आज भी हम इतने दुखी हैं, आज तक इतना इतिहास में दुख का दिन कभी भी नहीं आया जो दीदी का, आज के दिन हमें इतिहास में उनका दुख। तो ये इतने काम किए, हम महिलाओं को आज एक बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया। अगर महिलाओं का सबसे बड़ा विकास किया है तो वो दीदी के माध्यम, सुषमा स्वराज जी के माध्यम से हुआ है। हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी जैसे हमें शिक्षा दी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी उनके पद चिन्हों पर काम किया, आगे भी उनकी कमी सदा हमें खलती रहेगी। हमने एक बहुत बड़े नेता को खोया है, एक बहुत बड़ी दीदी को खोया है। आज़ाद भारत की वो पहली महिला नेता थी जिनको देखकर लोग राजनीति में महिलाएं आना शुरू की। आप आइए, आप भी महिला हैं, आप कहाँ से आई हैं और सुषमा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, मेरा नाम मालिनी देवी है, मैं ओडिशा से आई हूँ दीदी को मैं देखी नहीं थी, इसीलिए आज उनके कल के बाद सुन के आज सुबह के फाइल पे मैं आके पहुँच गई। बस उनको लास्ट आखिरी बार देख लूँ, जो कि है उनके जो देश के लिए किए हैं, महिलाओं के लिए किए हैं, वो बहुत गर्व की बात है। हम लोग उनकी तरह तो बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे उनकी तरह बनने के लिए। चलिए, यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहली महिला नेत्री थी जिनको देख कर महिलाएँ, बच्चियाँ, लड़कियाँ, ये सब लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब वो नेता बनेंगी। आप भी महिला हैं, आपके तो आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं। मेरा तो उनसे बहुत संबंध, बहुत नज़दीकी संबंध था। जब मैं पूर्व पार्षद बनी, पूर्व मंत्री बनी दिल्ली प्रदेश में, वो मुझे हमेशा, मैं सत्या जोशी कहती, सत्या सबसे पहले अपने बच्चों को देखना। जब मेरा बच्चा बता, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता थी और वो समय दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री थी केंद्र में, तो उनका मुझे फ़ोन, मेरा बेटा स्कॉलर में निकल, जापान स्कॉलर में, बहुत खुशी हुई कि चल कम से कम तेरा बेटा इतनी अच्छी पोस्ट में चला, कि हम लोग बहुत गरीब घर से थे। वो बहुत हमें प्यार करती थी, उसको ये नहीं पता था कि ये गरीब है या अमीर है, ये कार्यकर्ता अच्छा है। और महिला को खास करके वो यही कहना चाहती थी कि सबसे पहले अपनी गृहस्थी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे ये देखना, उसके बाद तुम जा कर के राजनीति करना। नहीं तो महिला अगर राजनीति में उसे कुछ ऊंच नीच हो गया, वो महिला खुद टूट जाती है। आज मैं सच्चे मन से अपनी दीदी को श्रद्धांजलि देने आई हूँ। मेरे बेटे की शादी में भी दीदी बहुत एक घंटा बैठी रही, क्योंकि उनको सुबह पाकिस्तान भी जाना था, लेकिन वो सोचती थी कि नहीं, पहला मेरा कार्यकर्ता, उसके बाद और कुछ। ये भावनाएं दिखती हैं, ये जो भावनाएं होती हैं, ये इतना आसान नहीं होता कि जब कोई इंसान यहाँ से जाता है इस दुनिया से, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अंदर भावनाएं व्याप्त होती हैं। और भी लोग हैं, आप युवा हैं, आप सुषमा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली माय नेम इज़ ऋतिक एंड आई एम फ्रॉम विदिशा लोकसभा क्षेत्र से हैं। और अभी दिसंबर अक्टूबर का टाइम था जब सुषमा मैम आई थी, वहाँ पे एक हॉल का उद्घाटन था, उसमें एक तो वो बहुत वेटरन लीडर थी, बीजेपी में बहुत कद उनका ऊंचा था। इस साल उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो हमें ऐसा लगा उनके स्वास्थ्य में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने नहीं लड़ा। लेकिन
कम ही खेल रही थी कि वो विदेश मंत्री का पद कौन संभालेगा उनके बाद। सही बात। चलिए, ये युवाओं का भी कहना है कि भाई विदेश मंत्री वो अलग चीज़ है, हम सिर्फ अभी सुषमा जी के लिए जो लोगों के मन में व्याप्त भावनाएं हैं उसको जानना चाहेंगे। आप जी, चलिए आपसे भी बात करेंगे, आप कोलकाता से आए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा होगा, कई बार आपने शायद उनको देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, कैसा व्यक्तित्व था सुषमा स्वराज? सुषमा जी के व्यक्तित्व के सवाल पर आज की घड़ी में हम लोगों को इतना कहना जरूर है कि बहुत नेता भी हुए और होंगे भी, लेकिन सुषमा जी इस युग की एक महान नेता थी और वो द्वैत में अद्वैत थी। बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं और उनसे भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अपनी अपना भाव उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व और उनके व्यवहार और कुशल राजनेता होने का सबूत जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पे विपक्ष ने घेर लिया था, और जब उन्होंने उस प्रस्ताव पर अपनी परिचय दिया विद्वता का और जिस तरह से विरोधियों को खींचा था, इतिहास में अविस्मरणीय है वो क्षण, और उस क्षण को याद करके हम लोग सुषमा जी को जीवन पर्यंत याद करेंगे, जीवन पर्यंत। सुषमा जी जब कल 370 जब लोकसभा से भी पास हुआ, अंतिम इच्छा, और उस इच्छा को शायद उन्होंने, उनको ये देखना था, और थोड़े ही समय बाद लोगों को मैंने देखा इतिहास में। पहला तो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मृत्यु से 24 घंटा पहले ही अपनी मृत्यु की घोषणा की थी कि मेरा जीवन जो है सेवा में रहा वो सेवा में ही जाएगा, और ये भी मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत दिन नहीं रहना, लेकिन मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूत करेगा। ठीक सुषमा जी का अंतिम शब्द राष्ट्र के हृदय को स्पर्श करते हुए, मैं समझता हूँ कि भारतीय कोई भी होगा आज जन्म ऋणी रहेगा, क्योंकि इस दिन के लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ लाल चौक पर झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे, उस दिन को स्मरण करते हुए और उस दिन की आज़ादी, दूसरी आज़ादी प्राप्त करने के बाद सुषमा जी का यह निधन जो है हम सब के लिए, राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, और ये जितना बड़ा दुख व्यक्त किया जाए शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्दों में सुषमा जी का व्यक्तित्व ऐसा था जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, पर लोगों के जो अंदर भावनाएं हैं उसे देखकर पता ही लग जाता है कि व्यक्तित्व कितना बड़ा था। आप कोलकाता से आए हैं? मैं कलकत्ता से आए हुए, मेरी नाम विवेकानंद सिन्हा आया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के एडवोकेट है। अच्छा। सुषमा जी का मैं 1992 से उनका देखा, और उनका परिवार के मैं अच्छी तरफ जानता है कि उनका पिताजी कार्डजोबाव थे, चेला कार्डजोबाव थे, और उनका जो हस्बैंड उन्होंने सराज कौशल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, और सुषमा जी भी एडवोकेट है, उन गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर त्रिपुरा गवर्नमेंट, और उनका इसी तरह उस समय पे दो पार्लियामेंटेरियन है, एक है सुषमा स्वराज जी और हमारा प्रमोद महाजन जी। इच्छा वाचन भंगी शैली उन्होंने संगत पे घर पे आए हुए हैं, बहुत पहले से उन्हें डिबेट अच्छे करते हैं, और उनका व्यवहार भी अच्छा है, वाचन शैली और भंगी बहुत मीठी है जी। और उनको बहुत चुनाव पे किशनगर लोकसभा में मैं फॉर्मर जो मिनिस्टर है सत्यव्रत मुखर्जी भी वहाँ पे किया, और प्रोग्राम में मैंने थे बहुत बार देखा, और हर तरफ में कोई किसी को देखा, और इनके बोला तुम कुछ पी लिया, तुम नाश्ता कर लिया, इसके उनका पार जो व्यवहार है एक आत्मीयता स्वरूप में, उनका व्यवहार हर तरफ पे हबी भाइयों के, हबी हर नागरिक के उनका थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा, और गुड पार्लियामेंटेरियन एंड स्पीच जो स्पीकर, ये भी उनका बहुत क्रेडिट है, स्पीकर वो बहुत अच्छी थी। अभी आपने देखा बहुत सारे जो हमारे सांसद जी भी लोग थे जिनसे हम लोग बात किए, और कार्यकर्ता अभी बोल रहे हैं वो माँ थी, क्योंकि इतना ध्यान कोई अगर दे पाएगा वो सिर्फ माँ दे पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए माँ के समान थी। आप अपना नाम बताइए और बताइए सुषमा स्वराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पवन गुर्जर मथुरा से आया हूँ, सवाई में चला था। सुषमा स्वराज जी का जो उनके विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, वो विद्यार्थियों के लिए हमेशा उन्होंने अपना योगदान दिया। अभी मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक
फॉरेन की कोई लड़की वो MBBS करना चाहती थी तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से स्टेप उठाया, तो विद्यार्थियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत थी और मैं भी उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने परिवार, समाज और विद्यार्थियों और युवा वर्ग देश के लिए जो समन्वय का काम किया और प्रत्येक मुद्दा पे जितने भी राष्ट्रीय हित में जितने भी मुद्दे थे, और वो एक मैं कह सकता हूँ एक पवित्र आत्मा थी, क्योंकि उस इतनी पवित्र आत्मा जिसे मरने से पहले इस अपने स्वर्गलोक जाने से पहले उन्हें ये आभास हो गया था कि मैं अब इस संसार को छोड़ने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने त्याग मोह ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मैं एक प्रकार से उन्हें संत ही कहूँगा कि वो एक प्रकार से संत थी। संत की परिभाषा भी यही होती है जिसका अपने आप पर नियंत्रण हो। आप सुषमा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से, हमें वहाँ पे काम करने का मौका मिला। हम उनको बुआ जी कहते थे, पूरे इलाके में फेमस थे वो, क्योंकि वो छोटे से बच्चे को लेकर उनको उनका प्रति बहुत स्वभाव अच्छा था, सबसे मिलते थे। जैसे रक्षाबंधन पे कभी आते थे वो, तो सभी लोग उनको ऐसे मिलते जैसे आज वो बहुत से लोगों के आज भी ये अपने अंदर एक भावना आ रही है कि वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा हमें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से किसी तरह का उनको लोभ मोह सब त्याग रखा था उन्होंने, और कोई भी कार्यकर्ता किसी भी टाइम जाके उनसे मिल सकता था। मुझे कई बार मिलने का मौका मिला उनको विदेश के कई कार्यक्रमों के, मेरे यहाँ से गांव से कुछ लोग विदेश में थे और वहाँ फंस गए थे वो, हमने निमंत्रण से उनको एक निवेदन किया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस कार्य को किया, और आज हमारे गांव में वो बच्चे हमारे बीच में हैं। अगर वो ना होती तो उन माओं के बच्चे और उन बहनों को राखनी बांधने के लिए वो भाई नहीं मिल पाते। मैं तो इस बात को सहन ही नहीं कर पा रहा कि वो हमारे बीच में एक देवी रूप, जिनको दुर्गा का अवतार कहते थे, और वो जो बोलती थी वैसा ही प्रतीत होता था, क्योंकि लोभ था ही नहीं, और प्रथम महिला दिल्ली की वो मुख्यमंत्री, और बहुत से उच्च पदों पर रहकर भी उनके अंदर कोई आकर नहीं थी, किसी तरह का स्वभाव में कोई फर्क नहीं था। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अक्सर हम भी जिक्र कर रहे हैं कि वो कई पदों पर थी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो उन जिस पदों पर वो रहीं वो पद उनके आगे छोटे थे कि जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व तो था। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अजय राणा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। मेरे को भी एक बार काम पड़ा था यहाँ पर, मैं आया था सुषमा जी के पास। मेरे गांव से एक इराक जा रहा था, उसकी डेथ हो गई थी माँ, तो उसको लाने के लिए हम बॉडी लाने के लिए यहाँ पर आए थे। जो भी सारा खर्चा सरकार के द्वारा होके मेरे गांव में उस व्यक्ति की बॉडी आई और संस्कार हुआ, हम तो उसके बहुत आभारी हैं। ये हम उनका कर्ज उतार नहीं सकते, बिल्कुल इतना जी। आपने तो देखा होगा कईयों बार, आपने कई बार उनको सदन में भी बोलते सुना होगा, जब सदन में वो अपनी जो शुद्ध हिंदी से जरिए विपक्षियों के जो छक्के छुड़ाते थे। जी जी। और आज सुषमा जी नहीं रहे, क्या कहें? उनका कोई जवाब नहीं है। बहुत दयालु क्वालिटी की थी लेडीज। 96 में दिल्ली में ग्रीन पार्क में पान की दुकान है, मेरा सबने साथ छोड़ दिया था। मैडम ने, मेरे पास दावेदारी थी चोपड़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट का, मैडम ने लिख कर दिया तुरंत ही लेटर, अपने लेटर पर लिखा, अभी तो लेटर में पड़ा हुआ है। DCP साहब, धर्मेंद्र साहब ले गए, उन्होंने दुकान लगवाया, मेरा रोज रोटी स्टार्ट हुआ है। आज से आज तक मैं उनका आभारी हूँ। ऐसी लेडीज में जो कि नेता रहते हुए घमंड अहंकार, मतलब नामी पूछ दी, घमंड अहंकार से बहुत दूर थी। वो सबको अपना परिवार मानती थी और भारत को अपना परिवार मानती थी। भाई नेम, हाँ, याददाश्त बहुत अच्छी थी। जी जी जी, वो तो BJP के जानती थी। भाई नेम एक बार दो बार मिली, बस हो गया उनका। मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को वो अपने बेटे समान मानती थी। आप कहाँ से आए हैं, आप अपना नाम बताइए। मैं ताई तागक अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। सुषमा जी के बारे में, और सुषमा जी के साथ काम किया। मैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रहा। सुषमा जी जब डिप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में रहा, तो उस समय में जब नेशनल सिक्योरिटी का जब चेयरमैन रहा, तो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट पर इतना ध्यान दिया। जब जब चाइनीज क्लेम होता था, चाइनीज इंट्रूजन होता था, हम सुषमा जी के डायरेक्ट संपर्क रहते थे, और वो लोकसभा में राज्यसभा में ऐसे आवाज़ उठाते थे और उनकी मार्गदर्शन अरुणाचल प्रदेश में सुषमा जी की प्रवास 3 बार हुआ, डेप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन होके, और सरकार के आने पर भी
NDA 2 में उनका प्रवास रहा है, तो काफ़ी ही उसका मार्गदर्शन ऐसा इंस्पिरेशन, और हम उसको पुकारते थे कि सुपर मूम, हम एक मम्मी जैसा पकड़ते, तो उनको जब भी मिलता या दिल्ली में आता तो भी जल्दी से मिलने का मौका देता था, और एक माँ की तरह जो भी समझना समझाना था, जो भी आगे की रास्ता को कैसे आगे जाना है उसका भी बताते हुए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलता था। हमारे लिए तो एक टीचर जैसे भी रहा, माँ भी जैसे रहा, और हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, इट इज़ ए पेनफुल मोमेंट फॉर अस। चलिए, बिल्कुल होगा ही, क्योंकि जो सुषमा स्वराज जी का व्यक्तित्व था, कुछ बार मुझे भी मिलने का मौका मिला, हमने अक्सर देखा कि उनकी जो भाषा शैली थी वो काफ़ी मृदु थी, बड़ी कोमल थी, बड़ी सौम्य थी, लोगों से बड़े आराम से वो मिलती थी, किसी भी प्रकार का उनसे अहंकार, लोभ, लालच इन सब चीज़ों से दूर थी। और कुछ हम महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, हम उन महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि तमाम मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत की वो पहली ऐसा महिला नेता थी जिनको देखकर लड़कियाँ भी ये सोचने लगीं कि अब वो राजनीति में कुछ अच्छा कर सकती हैं। आप अपना नाम बताइए, सुषमा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुमन सुधीर रंजन है, एंड मैं मतलब ऐसा मानती हूँ कि मैडम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और हम भी उनकी तरह ही बनना चाहेंगे, और बहुत ही ये दुख भरी हमारे लिए एक क्षण है जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, बट फिर भी हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं यहाँ पे, और हम उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, और आगे भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत ही रहेंगी। आगे भी प्रेरणा स्रोत रहेंगी, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप के बारे में? आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश की बहुत बड़ी महान नेता भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विदेश मंत्री आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग आज अपने आप को बहुत बड़ा असहाय समझ रहे हैं, और उनकी भरपाई शायद अब नहीं हो सकती है, उनकी भरपाई अब शायद नहीं हो सकती है। चलिए, तो और भी लोगों से हम जानते हैं, आप तो उम्रदराज हैं, और आपने कई बार देखा होगा, आपने वह भी देखा होगा, सुषमा जी का वो रौद्र रूप भी देखा होगा, सुषमा जी का मृदु रूप भी देखा होगा, और सुषमा जी का दुर्गा वाला भी रूप देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे सुषमा जी? वास्तव में सुषमा जी का प्यार और स्नेह जनता के साथ इतना था, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकती। अगर हम जैसे मेरे जैसे आदमी इतना मजदूर होने के बाद, तो वो बुला कर कहती थी, बताइए कैसे आप लोग आए हो। उनके प्यार और स्नेह कारण मैं पिछले सप्ताह से तरस रहा था कि मैं सुषमा जी से मिलना चाहता हूँ। राजेश्वर शर्मा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भी परंतु मैं को तो ऐसे महान तपस्वी तेजस्वी और इतना अपने भाषण में बड़े इस दृष्टि हर दृष्टि से आगे योग्य, इतने गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी, मैं तो कहूँ जब तक सूरज चांद रहेगा सुषमा जी तेरा नाम रहेगा, इस प्रकार से। और लास्ट में उन्होंने 370 धारा के बारे में जो कुछ बोला वो भी एक सब कुछ उन्हें देखने लगता। वास्तव में उनकी क्षति पूर्ति करना बहुत संभव है, बहुत ही अच्छे, बहुत प्यार। मुझे तो कई बार बड़ा दुख आता है कि वो बोले कितना प्यार स्नेह देती थी, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और यही वो भावनाएं हैं जो सुषमा जी के लिए लोग, सबकी भावनाएं उमड़ रही हैं, लोग कहना चाह रहे हैं, और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए, हम चाहते हैं आगे आए और बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे सुषमा जी के लिए आप? मैं पकड़ा रहूँगा, छोड़ दीजिए। सुषमा जी ने सबसे पहले चुनाव हरियाणा में अम्बाला से चुनाव लड़ा, और अम्बाला से एक निवास से 1977 में अम्बाला में सबसे कम उम्र की हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री बनी जी। और उन्होंने हरियाणा में दो चुनाव लड़े विधानसभा के, और उसका बेहतरीन अपने मंत्री में उन्होंने क्या अपना बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में वो दिल्ली आई, दिल्ली में वो सीएम बनी, दिल्ली में सीएम आई, उसके पहले उन्होंने दक्षिण दिल्ली। आपकी भावनाएं क्या है? भावना जी इतनी सहनशील, इतनी मेहनती, इतनी पब्लिक सिटी वाली, पूरे हिमवर्ल्ड के अंदर ऐसा नाम है सुषमा जी का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिला एक नंबर की महिला थी जिसका। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की वो इकलौती सबसे पहली महिला नेता थी जिनका जो व्यक्तित्व और जिनका कद भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा था। चलिए, लास्ट लोगों से, अंतिम लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं वैभव त्यागी, प्रदेश प्रभारी सांझी विरासत पार्टी से हूँ। मैं सुषमा जी एक ही बात बोलना चाहूँगा, आने वाली जो युवा नेता हैं उनके लिए एक प्रेरणा, एक नेता थी। आज बहुत दुख
की बात है वो हमारे बीच नहीं रही है, उनके लिए जो भी मैं शब्द कहूँगा वो मेरे लिए बहुत कम होंगे। धन्यवाद। उनके लिए शब्द ही कम है, उनके लिए भावनाएं जो लोगों की हैं उसी से पता लग जाता है कि उनका व्यक्तित्व क्या था। तो आपने देखा कि किस प्रकार लोगों ने सुषमा स्वराज जी के लिए अपनी भावनाएं प्रकट की। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि वो उनके माँ समान थी, तो किसी ने बहन, और जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी उनके लिए बुआ थी, और परिवार के साथ साथ और पार्टी को अपना परिवार मानती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन विकास यादव के साथ रजत त्रिपाठी की रिपोर्ट, नई दिल्ली।